हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। और अभी जो है सुबह के 6:30 बजे हैं और ये देखो कितना अच्छा दिन निकला है बाहर। और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई उठने में, क्योंकि कल रात को मैं लेट नाइट तक थोड़ा सा व्लॉग एडिट करना था मेरे को। लास्ट व्लॉग जो गया वो एडिट करके रात को ही मैंने अपलोड करके छोड़ दिया था। थंबनेल्स वगैरह बनाना बाकी है, वो अभी मैं चाय बना के पीऊँगी ना, तभी बैठ के मैं चाय पीते पीते थंबनेल भी बना लूँगी। मैं बच्चों के साथ ऐसे ही जो है हम लेडीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट करने जो है वो करना पड़ता है। और आज मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। और कुछ जो है मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, उनके भी हम जवाब देंगे अच्छे से, तो बने रहिएगा व्लॉग के साथ। और अभी जो है बच्चे सो रहे हैं, बच्चों के सो के उठने से पहले मैंने सोचा क्यों ना चाय पी के अपना काम जो है वो ख़त्म किया जाए। और सबसे पहले जो है मैं चाय बनना रख दूँगी। चाय बनने के लिए मैं रखूँगी ना, चाय की जो गैस है उसको थोड़ा सा स्लो कर दूँगी, तब तक मैं जो है वो अपना पानी पीऊँगी। और ये मेरा एक है ना, ये कह सकते हो सुबह की चाय मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक का काम करती है। मैं सुबह सुबह चाय मेरे लिए ज़रूरी है, और इसीलिए और रात को ना कपड़े वगैरह मैं चेंज करके तभी जो है वो सोती हूँ। सुबह मैंने चेंज करने के बाद ही जो है अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। एक मैं सोच रही हूँ कि जो है मेरे पास कमेंट भी आए थे, दिए अपना प्रॉपर मॉर्निंग जो रूटीन होता है वो अच्छे से शेयर कीजिए हमारे साथ। तो मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द मैं अपना मॉर्निंग रूटीन, प्रॉपर जो मॉर्निंग रूटीन होता है वो मैं शेयर करूँ। अभी तो मॉर्निंग रूटीन जो है गड़बड़ाया हुआ है थोड़ा सा, फटाफट भाग दौड़ में ही जो है वो सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रहे हैं। तो इसीलिए अब मैं जो है पहले एक आराम से बैठकर जो है वो एक गिलास चाय पीऊँगी, सॉरी एक गिलास पानी पीऊँगी। गैस को मैं कर देती हूँ स्लो और बैठकर जो है वो पी लेती हूँ मैं अपनी पानी। और जो है अभी पानी पीऊँगी मैं धीरे धीरे, और पानी पी के फिर मैं अपनी चाय जो है वो इन्जॉय करूँगी। बीच में क्या नाम है, फ्रेशन अप होके मैं आ चुकी हूँ और एक गिलास पानी जो है वो आराम से बैठकर पीती हूँ, और एक गिलास पानी चाय पीने के थोड़ी देर के बाद जो है वो मैं फिर से पीती हूँ। और मेरा क्या होता है कि मुझे पानी, असल में ना गर्मी इतनी हो गई है, पानी की तलब देखो हर किसी को होती है, लेकिन मेरा मेरी आदत क्या है, मैं मतलब जैसे एक काम करती हूँ तुरंत फिर एक गिलास पानी पीती हूँ, फिर एक काम करती हूँ फिर तुरंत एक गिलास पानी जो है वो पीती हूँ। तो बस इसीलिए जो है मैं थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा ज़्यादा ही पानी पीती हूँ, लेकिन फिर भी ना कभी कभी प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं हम लेडीज़ के लिए कि मतलब फिर डॉक्टर यही बोलेगा नहीं गर्मी बन गई, गर्मी, घर वाले भी यही बोलेंगे नहीं गर्मी, पानी नहीं पीते गर्मी बन गई, तो वही चला रहता। चलिए अभी फटाफट से अपनी चाय इन्जॉय करते हैं और फिर करते हैं अपने घर का सारा काम। और मेरी कोशिश यही रहती है बच्चों के उठने से पहले मैं अपने सोफ़े वगैरह ठीक करके मैं मतलब अगर मैं रात को ठीक कर देती हूँ तो सही रहता है, लेकिन अगर बच्चे टाइम से सो जाते हैं तो मैं रात को ठीक कर देती हूँ, नहीं तो फिर मैं ये सोफ़े सारे मॉर्निंग में ठीक करती हूँ, फ़ायदा नहीं होता है रात को जो है वो सोफ़े ठीक करने का। ये सोफ़े ना मेरे को जब मैं सेट करती हूँ तो मुझे चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि हिमांक जो है सारे गद्दियों के कवर जो है निकाल देता है और इधर उधर डाल देता है, तो मुझे ये देखना पड़ता है कौन सा कवर पीछे लगेगा कौन सा जो है वो आगे की तरफ लगने वाला है, तो उसी हिसाब से फिर मैं ये सारी चीज़ें मैं सेट करती हूँ। अच्छा मेरे पास ना अभी देखो मैं अपने व्लॉग्स में बहुत बार मैं बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड मेरी वीडियो में क्यों नहीं आते, मेरे व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं
तो जो जैसे वो मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो देखो ये वाला क्वेश्चन आम बात है, पूछना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज़ है कि आप पूछे कि मतलब आपके हस्बैंड व्लॉग में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि मेरे हस्बैंड व्लॉग में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं और किस डिपार्टमेंट में हैं, और इसलिए मतलब जो है वो नहीं आते हैं। और देखो सबकी ना अपनी अपनी मर्ज़ी होती है, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी को आना है या नहीं आना है। और उनकी ड्यूटी भी कुछ ऐसी ही होती है, दो दिन में, तीन दिन में, चार दिन में घर आते हैं और आते ही मैं उनके मुँह के सामने कैमरा लगा दूँ, है ना। तो वो चीज़ें सही नहीं होती हैं, ना ही वो चीज़ें अच्छी लगती हैं और ना ही वो चीज़ें मुझे भी जो है वो चीज़ें पसंद बिल्कुल भी नहीं हैं। और हम दोनों जो है वो फिर एक दूसरे को पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं, हम अपने पूरे परिवार को। अभी जो बच्चे सो ही रहे थे तो मैं फटाफट सोच रही हूँ मैं अपने काम जो है वो निपटा लूँ। तो अभी जो है ये जितने भी मैले कपड़े थे ना मैं ऊपर डाल के आ रही हूँ, कुछ रह गए थे ये बाहर मैंने बालकनी में डाले हुए थे, तो इसीलिए जो है वो मैं अभी इनको ऊपर डाल, मुझे ना बालकनी का मेकओवर भी करना है लेकिन थोड़ा रुक के, क्योंकि ना एकदम सारी चीज़ें नहीं होती है, डाइनिंग टेबल भी लेना है, एक बेड लेना है और फिर बालकनी का भी जो है मुझे मेकओवर करना है। थोड़ी 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 चीज़ें मैं सोच रही हूँ कि मैं दिवाली पे थोड़ा बहुत कुछ मैं ले लूँ, दिवाली पे काफ़ी ऑफर्स जो हैं वो चलते रहते हैं तो मैं दिवाली पे कुछ लेने का सोच रही हूँ थोड़ा बहुत। कैसे कैसे बाहर बालकनी का मेकओवर का तो ये है कि सारा दिन तो जैसे उसमें धूप रहती है, अगर मैं पौधे वगैरह अभी उसमें लगा देती हूँ, प्लांट्स लगा देती हूँ तो उसमें जो है हिमांग क्या करता है कि पॉट उठाता है और वो नीचे गली में फेंक देता है। मैंने दो तीन रखा हुआ है छोटे छोटे, मैंने जो कॉफ़ी मग होते हैं ना वो टूट गए थे मेरे से, तो उनमें मैंने ना मनी प्लांट्स लगाया तो हिमांग ने उठाकर वो नीचे की तरफ फेंक दिए। एक प्लास्टिक का छोटा सा गमला और था वो भी हिमांग ने उठा के बाहर गली में फेंक दिया। बच्चा है इसको पता नहीं होता, तो फिर क्या पता गली से कौन कोई बच्चा निकल रहा है या बड़ा निकल रहा है या बुज़ुर्ग निकल रहा है, किसी को चोट लग जाए तो फिर खामखा ऐसे ही परेशानी का फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है भाई। इसलिए बालकनी का तो मैं अभी मेकओवर थोड़े दिन रुक के जो है वो सोच रहे हैं वो कर लेते हैं, करेंगे, लेकिन मुझे अभी अंदर का ही थोड़ा सा कुछ चेंज करना है, जैसे वॉलपेपर्स वगैरह थोड़े बहुत लगाने हैं बच्चों के हिसाब से, या फिर ड्राइंग रूम में ही मुझे कुछ बड़ा प्लांट ऐसा ग्रीनरी टाइप मुझे कुछ करना है। एक सिंपल एक सिंगल बेड जो होता है ना वो भी मुझे लेना है, सिंगल जो नीचे वाला बेड होता है ना बिल्कुल वो लेना है मुझे। काफ़ी कुछ चेंज करना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ, कभी मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं होता, कभी मेरे पास टाइम नहीं होता, ऐसे ही टाइम निकले जा रहा है। और अभी मेरा जो है मॉर्निंग का झाड़ू वगैरह लग गया है, अब मैं लगाऊंगी पोछा, और पोछा लगाने के बाद नहा धो के फिर मेरे को अपनी जो है पूजा पाठ है वो करनी है। और वरुण यहाँ पे जो है वो रीडिंग कर रहा था और मैंने उसको फिर फ़ोन दे दिया थोड़ी देर के लिए कि बेटा मतलब को थोड़ी देर के बाद रेस्ट कर लेना अभी, और उसके बाद जो है वो पढ़ाई कर लेना। और अभी मैं यहाँ दियाबाती लगाने की जो है वो तैयारी कर रही हूँ, सारा काम फिनिश हो गया है, अब उसके बाद जो है फिर मैं अच्छे से किचन को, दियाबाती लगाने के बाद अच्छे से किचन को मैं साफ़ करूँगी, और उसके बाद जो है फिर श्राद्ध है आज हमारे घर में तो वो निकालूंगी मैं, आज मेरी जो है दादी सास का है वो श्राद्ध है तो वही निकालूंगी। और ये गैस वाले दिन की जो है वो व्लॉग यानी फ्राइडे का नहीं सैटरडे का आई थिंक, हाँ सैटरडे का है ये वाला व्लॉग जो संडे को जाएगा। और यहाँ पर जो है मैं दिया बाती लगाने की तैयारी कर रही हूँ, और जो है मैं यहाँ पर ना वो ढूंढ रही थी माचिस, और मेरे घर में ना माचिस नहीं मिलती है। मैं सच कहूँ ना मैं इतने दिन से बोल रही हूँ कि मुझे मंदिर चेंज करना है, मुझे मंदिर चेंज करना है, लेकिन मैं मंदिर भी चेंज नहीं कर पा रही हूँ, इतना भी टाइम नहीं लग पा रहा। अच्छा मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना, क्या अभी तो जैसे श्राद्ध चले हुए हैं तो इन दिनों के दौरान क्या हम नया मंदिर खरीद सकते हैं, या फिर मैं अमावस के दिन नया मंदिर खरीद लूँ और नवरात्रों के पहले दिन जो है उसकी स्थापना कर लूँ, क्योंकि और कुछ चाहे मैं करूँ ना करूँ लेकिन मेरे को जो है वो मंदिर ज़रूर लेना है। और ये वरुण यहाँ पर जो है शिकायत लगाने आया था हिमांग की, क्योंकि ये मंडित जो मंदिर है मेरा खंडित हो गया है, और फिर खंडित मंदिर को जो है वो यहाँ पर रख नहीं सकते ऐसे घर में, मेरे रखा हुआ है मेरी मजबूरी है, और
फिर मैं ऐसा मंदिर थोड़ा छोटा मंदिर लेकर आऊँगी ताकि उसको दीवार में टांग सकूँ और हिमांक के हाथों से बच जाए। हिमांक थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब उस मंदिर को हम थोड़ा नीचे रख लेंगे, तब तक मैं खड़े होके जो है वो मैं दिया बाती वो कर लूँगी। क्या करें, मजबूरी में जो है इंसान कुछ भी कर सकता है, क्या करें। अभी कोई मेरे पास है नहीं ऐसा कुछ प्रॉपर, क्योंकि एक दिन में ना मैं एक सेकंड भी अगर मेरी आँख लगती है ना तो हिमांक का फिर वही स्टार्ट हो जाता है मंदिर में कभी कुछ। और मेरे को ना माचिस नहीं मिली, हिमांक ने माचिस पता नहीं कहाँ डाल दिया। और फिर मैं जो है किचन में जाके मैं अपनी जोत को जला कर लाई हूँ और हिमांक को यहाँ पर मैं पिला रही थी कुछ पानी वानी, और अपने सैंडल लेके ही आया था कि मैं भूल रही थी, मैं बेटा किचन में रख दो इसको, हिमांक के सैंडल लेकर आया था कि मेरे को पहना दो, मेरे को नीचे जाना है खेलने के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा दिया बाती हो गया है और अब मैं जो है, वैसे ना किचन को मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बीच में ना एक बार चाय बन गई थी तो बच्चों का दूध गर्म हुआ था, सॉरी चाय नहीं बनी थी, चाय तो मॉर्निंग में ही बनी थी, बच्चों का दूध गर्म हुआ था तो इसलिए मैं एक बार फिर थोड़ा सा ना गीला कपड़ा जो अच्छे से मार दूँगी, क्लीन कर दूँगी और फिर मैं जो है फटाफट से मेरी दादी सास का है आज श्राद्ध तो वो निकालूँगी मैं। फिर उसके बाद द्वादशी का है, त्रयोदशी का है, फिर चौदस को कोई भी श्राद्ध नहीं है घर में और फिर अमावस का है। देखो श्राद्ध वगैरह का मैं कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें सही नहीं लगती हैं। सबका अपना अपना एक तरीका होता है एक मतलब निकालने का, अपने अपने घर के रीति रिवाज होते हैं, तो कोई मैं अगर कुछ चीज़ शेयर करती हूँ तो शायद मे भी कुछ चीज़ कुछ लोगों को अच्छी लगे, कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को मतलब लगे कि आपको निकालना नहीं आता कुछ, मतलब सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, तो उस चीज़ को शेयर ही क्यों करना जिससे जो है वो मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, या फिर क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं किसी को दिखाने की नहीं होती हैं। भाई देखो अगर मैं कहूँ तो कोई कंटेंट के लिए कोई ये चीज़ें दिखा देता है तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो दिखाने की नहीं होती हैं। और मैं ये आटा छान लेती हूँ और श्राद्ध इतना तो मैं देखो मैं बता देती हूँ, मैं भी शायद कुछ लोगों को ना बताओ, जिस दिन श्राद्ध निकालते हैं ना श्राद्ध का जो खाना बनता है वो रोटियाँ जो बनती हैं वो बिना नमक की बनती हैं, रोटियाँ जो बनती हैं वो बिना नमक की बनती हैं। मेरे को पहले पता नहीं था, मैं पहले नमक डाल के ही बनाती थी, लेकिन फिर मेरे को एक बुज़ुर्ग आंटी ने मेरे को बताया कि बेटी जो है रोटियाँ बिना नमक की जो है वो निकलती हैं, तो बिना नमक की निकाला करो। फिर उसके बाद से मैंने बिना नमक का जो है रोटियाँ निकालना स्टार्ट कर दी थी मैंने। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये रोटियों के लिए वो निकाल लूँगी और फिर उसके बाद अपना जो है बाकी का काम ख़त्म करूँगी और व्लॉग का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। और जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना विद द बेल आइकन है उस पर क्लिक कर देना ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। टिल देन बाय बाय।